हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में लूट, झूठ और जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। वहीं किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल के जीत के दावों पर चुटकी ली और कहा कि दावे तो उनके सांसद भी करते हैं, वो भी कांग्रेस की जीत के। परिवर्तन यात्रा जो है, इसने पूरी तरह से सारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के हैं उनको, उनके अंदर ऊर्जा भर दी है और मैं समझती हूँ इस बारी बहुत भारी बहुमत से जो है कांग्रेस जो है अपनी सीटें जीत कर निकलेगी और आने वाले समय के अंदर सरकार भी कांग्रेस ही यहाँ पर बनाएगी हरियाणा के अंदर। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर लोग जो हैं बहुत दुखी हो चुके हैं और उन्हें मालूम हो चुका है कि बीजेपी के ये शासन काल के अंदर लूट, झूठ, खसोट और जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा और ना मिलने वाला। अब दावा करने में क्या जाता है, दावा तो वो करेंगे, दावा तो हर तरीके से करेंगे। दावा तो उनके खुद के सांसद ने जो है उसी मंच से कह दिया कि कांग्रेस की जो है 85 सीट्स आएंगी और कांग्रेस को भारी मतों से जिता कर भेजिए। राहुल जी के आने से मैंने जैसे आपको कहा कि एक नई ऊर्जा जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा हुई है और निश्चित तौर से इसका फायदा नहीं, इसका नतीजा जो है बढ़िया नतीजा जो है आप देख लेंगे इन चुनाव के अंदर।